हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में गाला ट्विन बकेट स्पिन मॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे कैसे यूज़ करते हैं ये सारा देखेंगे। तो चलिए हम बॉक्स ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें रिफिल मिलता है, एक और रिफिल है और ये तीन पार्ट में हैंडल है। इसको हम बाद में सैंपल करते हैं। ये मॉप हेड है, ये सॉप डिस्पेंसर है, ये वाटर स्टॉपर है और ये रही हमारी मेन बकेट। ये सारी आइटम्स हैं जो हमें इसके साथ मिलती हैं। आराम से ये बकेट निकाल लें। तो अब हम बकेट को असेंबल करते हैं। और जैसे इसके स्लॉट्स हैं, जैसे मैं वीडियो में इसको फिट कर रही हूँ, ध्यान से ऐसे इसको लॉक कर लेना है। इस साइड वाटर स्टॉपर लगा दें। ये स्पिन सॉकेट है, इसमें रिफिल को स्पिन कर लेंगे। यहाँ ये हमने लगा दिया सॉफ्ट डिस्पेंसर और ये हमारी बकेट रेडी है। ये सबसे पहले रिफिल है। ओपन करते हैं इसको। ये रहा हमारा रिफिल। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस पैकेज में दो रिफिल्स हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब हम हैंडल को असेंबल करते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर ले, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और ये मॉप हेड है, इसको हैंडल के एंड पे लगा के टाइट करें और अब हम लगाते हैं रिफिल। मॉप हेड को रिफिल के ऊपर रख के आप पैर के साथ टाइट कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। और ये हैंडल है हमारा, असेंबल हो गया है। इस लेवल तक बकेट में वाटर फिल करें और सोप डिस्पेंसर में अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डिटोल लिक्विड डाला है। आप और कोई भी डिसइंफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हैंडल को लॉक अनलॉक करते हैं। इस वाइट नॉब को नीचे करके ये हैंडल अनलॉक हो जाता है। अनलॉक करके ही आप इसको वाटर वाले कंपार्टमेंट में इसको प्रेस करें तो रिफिल क्लीन होगा। और इसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में मॉप को डाल के अच्छी तरह स्पिन करें।
स्पिन करने के बाद अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हैंडल को सेट करें। तो यही था सारा इस मोप के बारे में। काफ़ी इजी है सफाई करना और क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।